तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ ड्रीम इलेवन ईसीसी टी10 लीग का भाई 84वां मैच जो कि खेला जाएगा इंग्लैंड एक्साई वर्सेस ऑस्ट्रिया के बीच में। तो इस वीडियो में आपको इस मैच की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट एंड तक देख लेना, क्योंकि भाई अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आप इजिली बिल्कुल ईजिली यहाँ पर 2-3-4 मेंबर के कॉन्टेस्ट भी विन करोगे। साथ ही साथ भाई पर आप 2-3-4 मेंबर के साथ साथ 60 लाख रुपए की ग्रैंड लीग में काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि यहां पर मैं आपको 2 से 3 ऐसे प्लेयर बताने वाला हूं जो आपके लिए ग्रैंड लीग में ट्रंप प्लेयर साबित होंगे। और अभी भाई जो आज के दिन का पहला टी10 मैच चल रहा है वो हमारे लिए बिल्कुल जैकपॉट जा रहा है, मतलब जो बिल्कुल जैकपॉट बोलते हैं भाई वो हमारे लिए अभी के लिए ये मैच जा रहा है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे ना तो फिर मान लो यार कि आपका लॉस होगा, तो उसमें यार मैं क्या कर सकता हूं आप बताओ। अगर आप खुद बताओ, आप एक वीडियो नहीं देख सकते अपने लिए, अगर आप अपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसके लिए अगर आप 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट की कोई वीडियो नहीं देख सकते, तो यार आप खुद बताओ आप विनिंग करना डिजर्व करते हो या नहीं करते। एक बार आप खुद से क्वेश्चन पूछ के देखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर भाई मैं आपको जो फाइनल अपडेट होते हैं, जैसे मान लो किसी भी टीम में कोई भी चेंजेज होता है तो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर बता देता हूँ। जैसे मान लो लास्ट मैच में जो चेंजमेंट हुए थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए थे, जो रात को टी10 खेला गया था उसमें जो चेंजमेंट हुए थे, जो भी प्लेयर नया खेलता है उसके मैं आपको स्टेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, साथ ही भाई जो भी चेंजेस होते सब आपको बता देता हूं, जो आपको ग्रैंड लीग में काफी इजीली काफी अच्छी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि वीडियो को कंप्लीट देखा करो दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको प्लेयर्स के स्टेट्स बता रहा हूं ना वो आपको जरूर से जरूर काम आएंगे। स्मॉल लीग में आप बेशक से मेरी टीम के साथ चले जाया करो, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम अगर आप खुद से बनाओगे और खुद अगर आप विनिंग करोगे तो काफी अच्छा मेरे को भी लगेगा, और यार आप खुद भी मतलब खुद के ऊपर प्राउड फील करोगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देख लेना। चलिए बात करते हैं डेट एंड टाइमिंग की। तो भाई डेट 6 अक्टूबर यानी कि आज की डेट रहने वाली, टाइमिंग भाई यहाँ पर 4:30 की रहने वाली है। बात करें वेन्यू की तो भाई कार्टमा ओवल ग्राउंड स्पेन में ये मैचेज हो रहे हैं, पूरी लीग भाई यहीं पे खेली गई है, तो आगे आने वाले मैचेज भी यहीं पे खेले जाएंगे। बात करें वेन्यू के रिकॉर्ड्स की तो यहाँ पर अभी तक 81 मैचेज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, एक मैच अभी चल रहा है और एक मैच अभी थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन जो मैं मैच कवर कर रहा हूँ आपके लिए वो है भाई 84th मैच, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 81 मैचेज जो कंप्लीट हो चुके हैं उनके रिजल्ट्स मैं आपके लिए निकाल कर ले आया हूँ। यहाँ पर बात करें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने तो 36 बार विनिंग की है, बैटिंग सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर भाई 42 बार विनिंग की है, और बात करें नो रिजल्ट तो भाई 3 मैचेज नो रिजल्ट में एंड हुए। अब वो कैसे हुए, क्योंकि भाई एक दिन यहाँ पर बारिश आ गई थी तो भाई उस दिन पूरे दिन मतलब मैचेज इतने हो नहीं पाए, तो भाई यहाँ पर 3 मैचेज नो रिजल्ट में एंड हो गए। बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, जो अब आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो गया, क्योंकि यहाँ पर भाई आर्टिफिशियल मैट फॉर्मेट पिच है, बट ये जो लास्ट के कुछ मैचेस खेले गए ना इसमें भाई बैटिंग को मतलब क्लियरली बैटिंग को फेवर करती हुई नजर आ रही है पिच। बात करें अगर यहाँ पर वेदर की तो बिल्कुल क्लाउडी रहेगा, लेकिन मतलब बिल्कुल क्लाउडी नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लाउडी रहेगा बिल्कुल, इसका यार मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मतलब ये पूरे चांसेस है कि वेदर क्लाउडी रहेगा बट बारिश के कोई भी चांसेस नहीं है, तो ऐसे आप समझ सकते हो इजीली, ठीक है। तो मैच कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बताया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही भाई अगर लिंक वर्क ना करे, क्योंकि काफ़ी बार हो जाता है यार लिंक वर्क नहीं करता, तो आप यहाँ से केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट सर्च करके भी टेलीग्राम से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एक बार मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 1.9 के हमारे टेलीग्राम फैमिली में मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर आप भी आना चाहते हो तो आप जरूर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भाई डेली 1.9 के मेंबर से टीम ले रहे हो, डेली भाई यहाँ पर जैकपॉट विनिंग हो रही है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। बात करें अगर भाई यहां पर इंग्लैंड की इंग्लैंड एक्साई की लास्ट मैच की प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डैन लिंकन भाई ये थोड़े से अब आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं लगातार 2-3 मैचेज से, तो अगर आप चाहो तो आप इन्हें टीम में जरूर रखना, लेकिन भाई क्योंकि ये बड़ा धमाका करने वाला है, कभी ना कभी आने वाले 1 या 2 मैच में बड़ा धमाका करेगा, तो आप ग्रैंड लीग की एक टीम में इन्हें कैप्टन बना के रखना, क्योंकि ये अगर परफॉर्मेंस देगा तो आपको विनिंग 101% होने वाली है। इसके काफ़ी सारे रीजन है, क्योंकि लगातार 2-3 मैचेज में कोई प्लेयर फ्लोप होता है ना तो उसका सिलेक्शन परसेंटेज डाउन आ जाता है, और उसको
सेलेक्ट कम करते हैं, लोग उसको अपनी टीम में कम रखते हैं, लेकिन हम भाई ऐसा नहीं करते, हम बड़े प्लेयर्स के ऊपर रिस्क लेते हैं। और यहाँ पर भाई ये अपनी टीम का कैप्टन है, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा प्लेयर इस टीम में कोई होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको आप जरूर ट्राई करना। आखिर वैसे अगर बात करें लास्ट के कुछ मैसेज की, तो भाई थोड़े से हल्के गए, लेकिन भाई फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी ओवरऑल रही है। बात करें हैरिसन वॉर्ड, तो ये आपके लिए जैकपॉट प्लेयर होने वाले, इनको अगर आप कैप्टन बना रहे तो सेम टीम में वॉइस कैप्टन आपके हैरिसन वॉर्ड होने चाहिए। ये मैं ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ, ग्रैंड लीग में आपको मतलब मिनिमम आपको 6 टीम के साथ जाना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात करें एंडी रिस्टोन की, तो अगर एंडी रिस्टोन नंबर 3 पर खेलता है तो आपके लिए जैकपॉट प्लेयर हो सकता है, क्योंकि भाई रन्स भी काफ़ी अच्छे बनाता है और काफ़ी तेज पारियाँ ये खेलता है, साथ ही भाई कंप्लीट दो ओवर की गेंदबाजी करता है, हालांकि इस मैच में एक ही ओवर डाला है। बात करें एलेक्स मेलर की, तो एलेक्स मेलर को आप यहाँ पर जाके एक बार देख सकते हो, इनके रिकॉर्ड्स पहले भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में इसको शो किया करते थे, अब भाई विकेट कीपिंग सेक्शन के लिए डैन लिंकन फिक्स हो गया और यहाँ पर भाई ये बैटिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे। साथ ही भाई आप इनके देख सकते हो, जिस मैच में रन बनाते हैं उसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और आपको एक तरफा विनिंग करवा देते हैं। लेकिन भाई हिट एंड मिस वाला प्लेयर है, तो अगर फ्लॉप होता है तो उसमें भाई थोड़ा सा रिस्क होता है, तो ये आप अपने रिस्क के ऊपर ट्राई करना स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में आप इजीली ट्राई कर सकते हो। टॉम बेवन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई यहाँ पर, मतलब डिपेंडेबल प्लेयर है, अगर स्टार्टिंग से विकेट गिरेंगे तो टॉम बेवन आके आपको 101% परफॉर्मेंस दे जाता है, तो इसीलिए मैं इसको अपनी टीम में जरूर रखना चाहूँगा। सैम पियर्स की बात करें, तो लगातार दो ओवर की बॉलिंग करवा रहा है बंदा, साथ ही भाई नंबर 5 पर नंबर 6 पर बैटिंग करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है ग्रैंड लीग के लिए भी और स्मॉल लीग के लिए भी। ग्रैंड लीग में आप इसे कैप्टन भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 20-30 रन भी बना जाए और दो तीन विकेट निकाल ले जाए, तो आपको जैकपॉट प्लेयर, मतलब आपके लिए जैकपॉट प्लेयर बन जाएगा। बात करें ल्यूक वेब की, तो इसने भी 8 रन बनाए, अगर आप इसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। जमान अख्तर की बात करें, तो लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कभी भी बाउंस बैक कर सकता है और ये बाउंस बैक करेगा तो आपको 101% यहाँ पर विकेट लेके देने वाला है। एक गोडसल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सेम भाई इसके लिए बोल रहा हूँ, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला कोई बात नहीं है, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बात करें रिच एडवर्ड्स और एलेक्स रसल की, तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और दोनों ने भाई कंप्लीट दो दो ओवर इस मैच में भी डाले हुए हैं और लगातार दो दो ओवर की गेंदबाजी आपको करते नजर आएंगे। अगर ओवर कट होंगे तो यहाँ पर भाई एक गोडसल या फिर जमान अख्तर के कुछ ओवर कट हो सकते हैं और हो सकता है भाई यहाँ पर सैम पियर्स को भी एक ही ओवर मिले, क्योंकि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है। बात करें अगर सेम टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 प्लस लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इकबाल हुसैन भाई ओपनिंग में आए थे, हालांकि एक ही रन बनाया, लेकिन जैकपॉट प्लेयर है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर डैन लिंकन के बारे में बताया, इनको भी आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बात करें राजमल सिंघवी, इसके बारे में भाई पहले बात कर रहा हूँ, बिलाल जलमाई के बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ से बात करें राजमल सिंघवी की, तो ये टीम का कैप्टन है और भाई कभी कभी बॉलिंग करवाता है, लेकिन ऑलमोस्ट बैटिंग में आपको मतलब ये मिलेगा और कभी कभी भाई ये ओपन भी करता था टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में, लेकिन भाई अभी ये ओपन नहीं कर पा रहा है, पता नहीं मतलब टीम की वजह से नहीं कर पा रहा है या भाई इसकी खुद की फॉर्म थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से नीचे अपने आप को मतलब डिमोट कर रहे हैं। लेकिन भाई अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो पीछे के रिकॉर्ड चेक करें तो भाई काफ़ी मतलब खतरनाक परफॉर्मेंस दिया, और अगर ये परफॉर्मेंस देने लग गया तो लगातार मैचेज में इसकी परफॉर्मेंस आने वाली है, तो मस्ट पिक प्लेयर है, इसको आप जरूर ट्राई करना। बात करें बिलाल जलमाई की, तो इसके बारे में आपको बता दूँ, लास्ट मैच में 43 रन बनाए, फॉर्म बंदे के साथ है तो बंदा हमारे साथ रहना चाहिए, तो आप इसे स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। साहिल मोमिन की बात करें, तो लास्ट मैच में भाई 50 मारी और अपनी टीम को विनिंग करवाई, साथ ही भाई एक ओवर की गेंदबाजी की जिसमें भाई विकेट लेस रहे थे, ठीक है। अब बात करें अगर मिर्जा हसन की, तो मिर्जा हसन ने 39 रन बनाए। ए बिलाल की बात करें, तो इसने बैटिंग बॉलिंग कुछ की नहीं, जिसान गोराया ने एक विकेट निकाला दो ओवर में, एहसान यूसुफ ने दो ओवर में विकेट लेस रहे। अब बात करें इमरान आसिफ की, तो इसने एक ओवर में कोई मतलब विकेट नहीं निकाला और विकेट लेस रहे। साहिल जादरान की बात करें, तो भाई दो ओवर में दो विकेट इसने भी निकाले। बात करें आकिब इकबाल की, तो आकिब इकबाल ने दो विकेट यहाँ पर आपके लिए निकाल रखे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए आकिब इकबाल होने वाले हैं। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर टीम की, तो यहाँ पर मैं आपको एक डेमो टीम देने वाला हूँ, 2-3-4 मेंबर की, जो हमारी ऑलमोस्ट फाइनल टीम होने वाली है, तो इसको आप अपनी टीम में ट्राई जरूर करना, मतलब इस टीम के साथ आप अपने कॉन्टेस्ट जरूर ट्राई करना। यहाँ पर अगर बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बैटिंग सेक्शन की बात करें, तो यहाँ से भाई बैटिंग सेक्शन में भी आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। बात करें मोहम्मद मुनीम की, तो अगर ये खेलता है तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं इसको ट्राई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ पर क्रेडिट इशू आने वाला है। तो यहाँ से एस शेख मेरी टीम में रहेगा, भाई काफ़ी अच्छा बैट्समैन, हालांकि लास्ट के 2-3 मैसेज में फॉर्म नहीं है, तो इसीलिए लोग इसे ड्रॉप कर रहे हैं। यासिर अली 3 नंबर पर बैटिंग भी कर सकता है और साथ ही 2-3 ओवर की मतलब एक दो ओवर की गेंदबाजी भी कर सकता है, दो ओवर तो यार मैक्सिमम ही होते हैं, तो कोई नहीं यार,
छोटी छोटी चीज़ें आप मैनेज कर लिया करो, कभी कभी बोलते बोलते निकल जाता है। बात करें सी मोनरोज मिल्स की तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जैक परमन की बात करें तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और बात करें एयर अजाक की तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उमीद रहीमी को आप ग्रैंड लीग की एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से भाई चार प्लेयर मैंने पिक कर लिया। अगर आप चाहो तो आप इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि ऊपर से अगर आप एस एक को ड्रॉप करते हो तो आपके क्रेडिट भी थोड़े से मैनेज हो जाएंगे। बात करें यहाँ पर बी अजीज मोहम्मद जो मस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर और स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। एस जाकिल को आप वॉइस कैप्टन बना सकते हो, काफी अच्छा प्लेयर है। कुलदीप लाल काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई आतिफ महमूद बैटिंग बॉलिंग दोनों में आपको परफॉर्मेंस देगा, चार या पांच नंबर पर बैटिंग करने आएगा, साथ ही दो ओवर प्लस मतलब दो ओवर कंप्लीट गेंदबाजी यहां पर करके देने वाला है। तो आप यहां पर आतिफ महमूद को भी ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो ऐसे भाई जेड हैदर हमारी टीम में रहेंगे, मुरीद एकारमी हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई एस सेफत अगर खेलता है तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको मैं जरूर ट्राई करूंगा। लेकिन अगर नहीं खेलता तो भाई आप यहाँ से रवि पांचाल या फिर फाइम बट्टी दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो। अगर वालिद राजा खेलेगा तो इसको मैं अपनी टीम में जरूर से जरूर ट्राई करना चाहूँगा। लेकिन अगर भाई ये नहीं खेलता तो फिर अपने पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचेंगे नहीं, तो फिर आप फाइम बट्टी या फिर रवि पांचाल में से किसी एक के साथ जा सकते हो, जैसे कि मैं अभी फाइम बट्टी के साथ जा रहा हूँ। अब बात करें अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से आप भाई बी अजीज महमूद को कैप्टन बना सकते हो, और भाई यहाँ से बात करें अगर एस जाकिल की तो इसको आप वॉइस कैप्टन बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहने वाले हैं। इसके अलावा बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो भाई क्या अहमद जाई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एस बट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे प्लेयर जो मैंने आपको बताया आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर होने चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाले हैं। तो ये भाई हमारी फाइनल टीम है। अगर बात करें इसको सेव एक बार करके आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, तो ये भाई हमारी फाइनल टीम रहने वाली है। आप चाहो तो आप यहीं पे वीडियो पोज करके इस टीम के साथ आप अपने कॉन्ट्रास्ट लगा सकते हो, और अगर भाई आप चाहो तो आप यहाँ पर एक दो चेंजेस करना चाहो वीडियो में, जो मैंने आपको स्टैट्स बताए उन बेसिस पर जो आपको लगे कि आज ये प्लेयर परफॉर्म करेगा, तो उस हिसाब से भाई आप यहाँ से उस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर इजीली ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको हमेशा यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जाइए। और ये भाई मेरी टीम है फाइनल, और भाई देख सकते हो अगर इसमें कुछ चेंजमेंट होगा तो मैं आपको कहाँ पर बताऊंगा, वो सब भाई आपको पता लग जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।